प्रिय छात्रों, आज हम व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे विपणन मिश्र के बारे में। विपणन मिश्र के बारे में हमने जैसा जाना था कि बाजार तत्व के जो चर हैं उनका संतुलन मिश्रण की जो योजना है, जिसका उद्देश्य जो होता है उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना होता है। तो विपणन मिश्र के अंतर्गत जिनको हम 4 PS के नाम से जानते हैं, जिसमें उत्पाद, मूल्य, तीसरा स्थान और चौथा प्रवर्तन। तो ये जो 4 PS है, इनमें हमने पूर्व में उत्पाद क्या है, मूल्य क्या है, इनके बारे में जाना था। अब हम जो तीसरा बिंदु, जो 4 PS का थर्ड बिंदु है, स्थान या वितरण। स्थान या वितरण से क्या तात्पर्य, ये हम जानेंगे। तो विपणन मिश्र के अंतर्गत जो है वस्तु एवं सेवाओं का वितरण जो है वो महत्वपूर्ण घटक होता है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का जो वितरण है, अर्थात उपभोक्ताओं तक पहुँचाना, ये एक महत्वपूर्ण घटक है। उत्पादित वस्तु को जब हम पैकेज व ब्रांडेड किए जाते हैं, मूल्य निर्धारण करते हैं और इनको सही स्थान पर, सही मात्रा में, सही समय पर ग्राहक को उसके उपयोग योग्य स्थान तक पहुंचाना आवश्यक होता है। तो जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो हम उत्पादित वस्तु को क्या करते हैं, पैकेजिंग बना के, उसकी पैकेजिंग करके, उसको ब्रांडेड करके और उसका मूल्य निर्धारण करने के पश्चात उनको जो उपभोक्ता के स्थान तक पहुंचाना, और वो वस्तु जो सही मात्रा पे में हो और सही समय पर, टाइमिंग पर ग्राहक को उसके उपयोग योग्य स्थान तक पहुंच जाए। अब यहाँ यदि किसी ग्राहक किसी विशिष्ट वस्तु को खरीदना चाहता है और वह बाजार में यदि उपलब्ध नहीं है, तो वह उस वस्तु के दूसरे ब्रांड को खरीदेगा। उदाहरण के लिए यदि हम बाज़ार में लक्स साबुन लेने जाते हैं और यदि लक्स साबुन हमें वहाँ पर नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दूसरे ब्रांड का कोई लाइफबॉय या लिरिल या रिन, कोई अदर साबुन हम खरीद लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ब्रांड की हम वस्तु पहले खरीदना चाह रहे थे, उस ब्रांड की वस्तु की बिक्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो वस्तु जो है उस समय उस स्थान पर उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर जो मुख्य बात आती है कि उपभोक्ता की मांग के अनुसार वस्तु को जो है सही मात्रा में, सही समय पर वो वस्तु उपलब्ध कराना जो है वो वितरण का मुख्य कार्य है। तो यहाँ वितरण की प्रक्रिया में जो है समय व स्थान पर अंतिम उपभोक्ता को, अर्थात हम आप जो हैं, हम आप जो वस्तु का उपयोग करते हैं, हमको समय व स्थान के साथ उत्पाद, सेवा या विचार को पूर्ण किया जाना है, अर्थात एक निर्धारित टाइम पर जब उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग करना चाहता है, तब वो वस्तु उसको सही समय पर, सही स्थान पर उसको प्राप्त हो जाए। तो ये कार्य जो है स्थान या वितरण के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर वितरण को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक भौतिक विवरण और नंबर दो वितरण के माध्यम या कड़ियाँ। भौतिक विवरण वितरण से जो तात्पर्य यहाँ पर कि जिन साधनों के माध्यम से जो है उपभोक्ता तक वो वस्तु पहुँचती है, और वितरण का माध्यम जो है जिनके द्वारा वो वस्तु में या सेवाएं उपभोक्ता तक पहुँचती हैं। इनको और हम विस्तार से देखेंगे यहाँ पर। तो पहले हम देखते हैं भौतिक वितरण क्या है। भौतिक वितरण में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो वस्तुओं को निर्माता से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने के लिए आवश्यक हैं, अर्थात वे सभी क्रियाएं भौतिक वितरण के अंतर्गत आती हैं जो कि उपभोक्ता के पास निर्माता के माध्यम से वो वस्तुएं पहुंचती हैं। तो भौतिक वितरण में जो है मुख्य रूप से परिवहन, जैसा कि भंडारण, स्टोरेज और माल का रखरखाव, मेंटेनेंस, स्टॉक नियंत्रण। स्टॉक नियंत्रण से तात्पर्य यहाँ पर कि मांग के अनुसार जो है पूर्ति यहाँ पर प्रॉपर बनी रहे, या बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक भी ना हो, ताकि यदि ऐसा हुआ ओवर स्टॉक, तो ऐसी स्थिति में जो है
स्टॉकर की यहाँ पर पूंजी क्या होती है, फंस जाती है। तो ये सभी क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं जो उपभोक्ता उपभोग योग्य माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायक होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि भौतिक वितरण में शामिल क्रियाएं कौन कौन सी हैं। मुख्य रूप से सबसे पहले तो आदेश की प्रक्रिया होती है, ग्राहक के आदेश पर जो है माल की पूर्ति की प्रक्रिया से, ग्राहक के आदेश पर माल की पूर्ति की प्रक्रिया से। इसमें ग्राहक से क्या किया जाता है, आदेश प्राप्त किया जाता है। विक्रयकर्ता जो है उत्पादनकर्ता को जानकारी यहाँ पर प्रदान करता है। ग्राहक से जो है विक्रयकर्ता आदेश प्राप्त करता है और निर्माता या उत्पादनकर्ता को इसकी जानकारी देता है। फिर उत्पादनकर्ता जो है आदेश की जांच करता है जिससे उसको आदेश प्राप्त हुआ है, और स्टॉक अपने पास स्टॉक में मात्रा को उसको चेक करके देखता है, और फिर सूची तैयार करता कौन कौन सा माल उसके पास है, फिर आदेशानुसार जो है माल की आपूर्ति करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि आदेश प्रक्रिया में सबसे पहले तो नंबर एक ग्राहक से आदेश प्राप्त होता है, फिर ग्राहक से प्राप्त आदेश को प्राप्त करके विक्रयकर्ता जो है उत्पादनकर्ता को जानकारी देता है, फिर नंबर तीन पे उत्पादनकर्ता जो है आदेश की जांच करता है और उसके स्टॉक में वो माल है कि नहीं उसको चेक करता है, फिर चौथे नंबर पर सूची तैयार करता है, और पांचवें नंबर पर जो है आदेशानुसार माल की आपूर्ति करता है। तो इसकी जो सबसे पहली क्रिया है वो सबसे पहली क्रिया जो है आपकी आदेश की प्रक्रिया। फिर दूसरा जो साधन है क्रिया है वो है परिवहन। परिवहन के साधन के माध्यम से वस्तु को उत्पादन के स्थान से बिक्री के स्थान तक, बिक्री के स्थान तक पहुंचाए जाने से जब तक वस्तु भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी विक्रय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो यहाँ पर परिवहन के जो साधन है वो भौतिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर जब तक भौतिक रूप अर्थात प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप में वो वस्तु उपभोक्ता के पास नहीं पहुंचेगी तब तक विक्रय की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी। तो परिवहन के साधनों में जो है जिनके माध्यम से जो है ये पूर्ण होती है वस्तुएँ पहुँचती हैं, तो सड़क हो गया, रेल हो गया, वायु, जल, पाइपलाइन आदि सम्मिलित हैं। इनके माध्यम से जो है वस्तुएं उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम वस्तुओं को इन साधनों के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करते हैं तो वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है इसको हमें ध्यान में रखना होता है, साथ ही माल को पहुँचाने की लागत कितनी होगी, गति मतलब कितने समय में वो वस्तु उपभोक्ता तक पहुंच सकती है, फिर निर्भरता, आवृत्ति, क्षमता और सुरक्षा आदि बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो है परिवहन के साधनों का यहाँ पर चयन किया जाता है, ताकि माल जो है वस्तु जो है सुरक्षित रूप से उपयोग योग्य रूप में वो उपभोक्ता तक पहुंच सके। तो परिवहन के बाद बात आती है गोदाम या भंडारण का। तो उपभोक्ता तक माल पहुँचने के पूर्व माल को जिस स्थान पर हम सुरक्षित रखते हैं वो गोदाम या भंडारण कहलाते हैं। तो यहाँ उत्पादित माल को उपभोक्ता तक पहुँचने में समय लगता है, जिसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसका भंडारण करना पड़ता है, मतलब एकत्रित करके उसको सुरक्षित रखना पड़ता है। अब माल को एकत्रित करके सुरक्षित करके रखने के लिए उसे गोदाम या भंडारण की आवश्यकता होती है, और माल की प्रकृति के अनुसार गोदाम या भंडारण होना चाहिए। यदि नॉर्मल प्रकार का माल है तो उसको जो है सामान्य हम गोदाम या भंडारण में रख सकते हैं, या ठंडा वाला ठंडे स्थान पर रखने वाला यदि कोई माल है तो उसके लिए अलग गोदाम या भंडारण होते हैं। तो जिस प्रकार से वस्तु की प्रकृति उस प्रकार के गोदाम या भंडारण में हम वस्तु को सुरक्षित रखते हैं। इसके लिए जो है गोदाम या भंडारण उत्पादन प्रक्रिया के निकट हो, अर्थात बहुत दूरी पर ना हो, और बाजार भी क्या है गोदाम भंडारण के नज़दीक में हो, जिससे आपूर्ति शीघ्रता से हो सके, अर्थात
गोदाम या भंडारण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो बाजार के भी नजदीक हो, साथ ही उत्पादन कर्ता के भी नजदीक हो, ताकि माल को शीघ्रता के साथ वहां पर पहुंचाया जा सके और गोदाम या भंडारण से निकालकर माल को सीधे बाजार में शीघ्रता से भेजा जा सके। फिर संग्रहित माल पर नियंत्रण। अब यहां पर उत्पादनकर्ता के द्वारा जो माल को संग्रहित करके रखा जाता है स्टॉक में, उस पर भी नियंत्रण या कंट्रोल आवश्यक है। माल की आपूर्ति जिस प्रकार से बाजार में हो रही है, उसके हिसाब से ही माल को एकत्रित करके रखना चाहिए। तो स्टॉक की मात्रा जो है वो आपूर्ति के हिसाब से आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करके रखी जाती है। अब स्टॉक की मात्रा यदि सही है तो ग्राहक को दूसरे जगह जाने की स्थिति कम हो जाती है एवं बिक्री का प्रवाह जो है वो निरंतर बना रहता है। तो प्रॉपरली स्टॉक जो है नियंत्रित रूप से स्टॉक यदि स्टॉकर के पास है तो ऐसी स्थिति में ग्राहक की आपूर्ति जो है टाइम लिमिट के साथ पूरी होती रहती है और यहाँ पर जो विक्रय का प्रवाह है, विक्रय का जो क्रम है वो लगातार बना रहता है। अब यदि यहाँ पर नियंत्रण नहीं करते या बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी पूंजी यहाँ फंस जाती है, और यदि कम स्टॉक रखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बिक्री प्रभावित होगी। तो ये जो बिंदु हैं ये भौतिक वितरण में सम्मिलित क्रियाएँ हैं। अब जो दूसरा बिंदु है वितरण के माध्यम या कड़ियाँ, यहाँ पर जो है वितरण के माध्यम से आशय उस मार्ग से है जिसके माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह होता है या निर्माता से उपभोक्ता तक उन्हें पहुंचाया जाता है। अब ये माध्यम कौन है वितरण के, जैसे एजेंट हो गया, थोक व्यापारी हो गए, फुटकर व्यापारी हो गए, कमीशन एजेंट हो गए, ब्रोकर हो गए, अन्य सहायक एजेंसी जैसे कॉमन कैरियर्स, विज्ञापन एजेंसी आदि, ये मध्यस्थ विनिमय की प्रक्रिया को सरल बनाकर समय, स्थान एवं अधिकार उपयोगिता का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। तो यहाँ पर हम वितरण के माध्यम या कड़ियों में के रूप में हम इनको जानते हैं जो माल को उपभोक्ता तक पहुँचाने में मदद करते हैं, जैसे कि एजेंट हो गया, उत्पादनकर्ता से डायरेक्ट वो माल को खरीदता है, एजेंट के पास से थोक व्यापारी के पास माल आता है, थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी माल खरीदता है, फिर कुछ कमीशन एजेंट हैं या ब्रोकर हैं जो डायरेक्ट उत्पादनकर्ता से संपर्क करते हैं, कुछ सहायक एजेंसी हैं जैसे कॉमन कैरियर, विज्ञापन एजेंसी वगैरह हो गई, ये डायरेक्ट जो है उत्पादनकर्ता से संपर्क बनाकर जो है माल को उपभोक्ता तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो वितरण की इन कड़ियों में जो है समय, स्थान एवं अधिकार उपयोगिता का ये लोग क्या करते हैं, सृजन करते हैं। तो यहाँ पर जो है इन कड़ियों में निर्माता जो है निम्न रूप से निर्णय ले सकता है। नंबर एक तो वितरण की सामान्य कड़ी का चुनाव करना कि उत्पादित माल को किस हिसाब से, किन माध्यमों से उसको भेजना है, या तो एजेंट के माध्यम से बेचना है या डायरेक्ट ऑनलाइन भी बेचना हो सकता है, या फिर थोक व्यापारी के माध्यम से फुटकर व्यापारी, फुटकर व्यापारी के माध्यम से उपभोक्ता तक, तो किस प्रकार की कड़ी का वो चुनाव करना है ये निर्माता को डिसीजन यहाँ लेना होता है, सामान्य कड़ी का चुनाव करना। दूसरा, प्रत्येक बाजार में मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करना। अब यहाँ पर मध्यस्थ कितने होंगे, व्यवसाय में एजेंट हो गया, फुटकर व्यापारी हो गया, थोक व्यापारी हो गया, ब्रोकर वेंडर, यहाँ पर विभिन्न एजेंसियाँ हो गई, कितने प्रकार के लोग होंगे जिनके माध्यम से वो माल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात उपभोक्ता तक पहुँचेगा। फिर विशिष्ट वस्तु विक्रय हेतु किसी विशिष्ट मध्यस्थ का चुनाव करना, या तो ये तय कर लिया जाए कि डायरेक्ट एजेंट के माध्यम से जो है माल को बेचा जाएगा, या फिर ये तय कर लिया जाएगा कि थोक व्यापारी के द्वारा ही माल को बेचा जाएगा। तो इसमें किन कड़ियों के माध्यम से उसको जो है अपने वितरण का कार्य पूर्ण करना है, इसका जो चुनाव है वो निर्माता के द्वारा किया जाता है। तो ये वितरण के माध्यम या उसकी कड़ियाँ हैं। फिर इसके जो प्रकार हैं वितरण माध्यम के प्रकार, नंबर एक तो हो गया प्रत्यक्ष माध्यम, इसमें फुटकर दुकान, डाक
इंटरनेट या सीधे घर जाकर माल बेचने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अर्थात उत्पादनकर्ता उत्पादन से सीधा माल जो है ये उपभोक्ता को पहुंचता है, ये तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष माध्यम। सीधे उत्पादन हुआ और उत्पादन होने के बाद जो है निर्माता के द्वारा जो है डायरेक्ट माल कर दुकान पर दे दिया गया, या फिर सीधा उत्पादनकर्ता के पास से डाक से इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर प्राप्त करके जो है माल को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा दिया गया, तो ये होता प्रत्यक्ष माध्यम। फिर अप्रत्यक्ष माध्यम, इसमें निर्माता अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए एक या एक से अधिक मध्यस्थों की मदद लेता है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष माध्यम से जो है इनडायरेक्ट, अर्थात निर्माता जो है अपने उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए और भी व्यक्तियों की यहाँ पर मदद लेता है, तो एक से अधिक मध्यस्थों की यहाँ मदद लेता है। इसमें जो है एक स्तरीय माध्यम है, द्विस्तरीय माध्यम है और तीसरा त्रिस्तरीय माध्यम है। इस कड़ी में जो है केवल एक मध्यस्थ का प्रयोग किया जाता है, निर्माता सीधे फुटकर व्यापारी को माल यहाँ बेचता है। तो यहाँ उत्पादक जो है उत्पादक सीधे फुटकर व्यापारी को माल को बेचता है, ये और ये। दूसरा बिंदु जो है द्विस्तरीय, अर्थात दो माध्यम यहाँ हो जाते हैं। इसमें निर्माता जो है थोक व्यापारी को, तो ये हो गया उत्पादक ये बेचता है किसको, थोक व्यापारी को, थोक व्यापारी को, और थोक व्यापारी जो है वो फुटकर व्यापारी को, फुटकर व्यापारी को यहाँ माल बेचता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि द्विस्तरीय माध्यम में जो है यहाँ दो माध्यम हो जाते हैं। जैसे सामान्य तौर पर हम जो भी माल खरीदते हैं तो वो सब इन्हीं प्रकार की कड़ियों से माल हमारे बीच में पहुँचता है। तो द्विस्तरीय माध्यम में जो थोक व्यापारी को निर्माता माल बेचता है, और थोक व्यापारी जो है वो फुटकर व्यापारी को, और फिर फुटकर व्यापारी जो है उपभोक्ता को बेचता है। जिस प्रकार से उत्पादक के पास से माल थोक व्यापारी के पास, थोक व्यापारी के पास से माल जो है वो फुटकर व्यापारी के पास माल पहुंचता है। अब तीसरे जो त्रिस्तरीय माध्यम है, इसमें निर्माता तथा थोक व्यापारी के मध्य एजेंट को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है उत्पादक हो गया, उत्पादक, इसके बाद यहाँ पर आ गया एजेंट, अब यहाँ बीच में आ गया एजेंट, और इसके बाद पर थोक व्यापारी, थोक व्यापारी। अब यहाँ हम देखते हैं कि त्रिस्तरीय, यहाँ तो त्रिस्तरीय माध्यम हो गए, इसमें जो निर्माता थोक व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी एजेंट को, फिर एजेंट के माध्यम से जो है माल को बेच दिया जाता है। एजेंट निर्माता ये जो करता है, ये एजेंट निर्माता व थोक व्यापारी के बीच की दूरी को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो ये त्रिस्तरीय माध्यम कहलाते हैं। तो ये वितरण माध्यम के जो प्रकार हैं, डायरेक्ट माध्यम और इनडायरेक्ट, और इसमें जो इनडायरेक्ट में एक स्तरीय माध्यम, द्विस्तरीय माध्यम और त्रिस्तरीय माध्यम, तो ये वितरण माध्यम के प्रकार। इसके बाद जो हमारी चौथी प्रक्रिया है 4PS की, हमने बताई थी आपको पूर्व में भी, 4PS की चौथी प्रक्रिया जो है वो है क्या, प्रवर्तन प्रक्रिया। प्रवर्तन क्या है, प्रवर्तन मिश्र से आशय है उत्पादन के संबंध में लक्षित उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, ताकि उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित हो। अर्थात वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करना प्रवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित है। यहाँ विपणनकर्ता जो है अपने फर्म के उत्पादों के संबंध में ग्राहकों को सूचित करता है, उन्हें खरीदने के लिए तैयार करने के लिए संप्रेषण की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है, जिन्हें हम विपणन मिश्र के अंतर्गत उत्पादन के प्रवर्तन के घटक के रूप में जाने जाता है। पहला जो है विज्ञापन। अब प्रवर्तन के लिए, किसी वस्तु के प्रवर्तन के लिए, माल के प्रवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार का उद्देश्य क्या है, कि
संबंधित व्यक्ति तक उस वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचे। तो विज्ञापन के माध्यम से जो है उत्पाद का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसमें प्रायोजित उत्पादन की जानकारी उपभोक्ता तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जाती। मीडिया के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाओं में, ठीक, रेडियो से या टेलीविज़न के माध्यम से, नेट इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो है हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, और उस विज्ञापन एडवर्टीजमेंट को देखकर हम उस वस्तु को खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ये क्या है, प्रवर्तन का जो मुख्य घटक है वो क्या है, विज्ञापन। फिर दूसरी प्रक्रिया जो है व्यक्तिगत विक्रय। सामान्य तौर पर विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट को, उत्पादन को लेकर हमारे घरों में जो सेल्समैन पहुंचते हैं वो व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत आते हैं। घर में पहुंचकर जो सेल्समैन अपने उत्पादनों के बारे में हमें डेमो देते हैं, बताते हैं उसकी विशेषताओं को, उसकी उपयोगिता के बारे में हमें बताते हैं, और फिर हम उससे संतुष्ट होकर वो वस्तु को खरीदते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत विक्रय है, बिक्री प्रतिनिधियों को नियुक्त कर दिया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से घर पहुंच सेवा के माध्यम से जो है उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो प्रवर्तन के ये जो दो तत्व हैं, जो विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय। फिर तीसरा जो है विक्रय संवर्धन। इसमें विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के सहायक के रूप में उत्पाद की उपयोगिता को प्रत्यक्ष प्रदर्शन, सैंपल व कॉन्टेस्ट आदि के माध्यम से जो है प्रकट किया जाता है। यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों में या विभिन्न समारोह के स्थलों में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी होती है, प्रदर्शनी लगी होती है, जहाँ पर कि अपने उत्पाद की उपयोगिता के बारे में प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन करते हैं, सैंपल के रूप में लोगों को सैंपल बांटते हैं, या किसी प्रकार का कॉन्टेस्ट या कॉम्पिटिशन करके जो है वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस प्रक्रिया से जो है ग्राहक प्रत्यक्ष रूप से वस्तु की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये विक्रय संवर्धन की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत जो है हम विज्ञापन या व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से जो उत्पाद को प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के सामने उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। फिर प्रचार एवं जनसंपर्क। इसके अंतर्गत आम जनता को कंपनी व उसके उत्पाद से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिचित कराया जाता है। इसमें जो है कंपनी अपनी ओर से एक सेमिनार या कोई कार्यक्रम इस प्रकार से आयोजित करती है, और जिसमें वो अपनी वस्तु को इंट्रोड्यूस करती है, लोगों को उस वस्तु के बारे में बताती है। यहाँ उत्पाद से जुड़े हुए जो विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित किया जाता है। तो ये ओपनली प्रचार एवं जनसंपर्क के माध्यम से भी जो है यहाँ पर वस्तु का प्रवर्तन किया जाता है, लोगों को वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं निष्कर्ष के रूप में, एक फर्म अपने उत्पाद के प्रवर्तन के लिए किस प्रकार से घटकों का समावेश करता है, यह बाजार की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति व प्रवर्तन के बजट के अनुरूप निर्धारित करता है, ताकि विपणन के इच्छित लक्ष्य को वो प्राप्त कर सके। अब यहाँ पर प्रवर्तन के जो विभिन्न घटक हैं, ये निर्माता के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी वस्तु के प्रवर्तन के लिए किन प्रकार के घटकों का उपयोग करता है, या विज्ञापन के माध्यम से, या विक्रय संवर्धन के माध्यम से, प्रचार और जनसंपर्क के माध्यम से। तो ये जो थे वितरण के माध्यम कड़ियाँ थी। इसके बाद अभ्यास प्रश्न। विपणन मिश्र के अंतर्गत स्थान या वितरण से क्या आशय समझाइए। स्थान या वितरण के अंतर्गत भौतिक वितरण के घटक कौन कौन से हैं। फिर वितरण के माध्यम या कड़ियों को समझाइए और वितरण माध्यम के प्रकारों को समझाइए। पांचवा जो है विपणन मिश्र के अंतर्गत प्रवर्तन प्रक्रिया से आशय व प्रवर्तन के प्रमुख घटकों को समझाइए।